भाजी ये अफवाह तो मेरी नहीं है, क्योंकि मेरे जो सवाल होते हैं मुझे याद रहते हैं, तो मैं ये खुद पहली बार ही पढ़ता हूँ ताकि मुझे मजा आए सुन के। अक्षय भाजी अफवाह ये है कि इस फिल्म की शूटिंग में करीना ने इतना थूक मारा कि आपका मेकअप खराब हो जाता था। ट्रू ट्रू है, ओके अफवाह, ओके। करीना एक अफवाह ये है कि कभी खुशी कभी गम में आपको पू का करेक्टर इतना पसंद आया था कि शूटिंग खत्म होने के बाद भी आप कई दिनों तक अपने घर पे पू की तरह ही बिहेव करती थी। बिल्कुल नहीं, इन्होंने ब्रैकेट में लिखा हुआ ट्रू, ओके तो बिल्कुल रबिश पीपल, रबिश। अक्षय भाजी अफवाह है कि आपके घर में कोई भी बेल्ट नहीं खरीदता क्योंकि सबको आपने जूडो कराटे में बेल्टें दिलवा रखी हैं। ट्रू ट्रू, देखा ऐसे थोड़ी हमेशा हमारी अफवाहें नकली नहीं होती, रिसर्च टीम है हमारी बहुत बड़ी एक आदमी की। अक्षय भाई एक अफवाह, इस फिल्म में जो आपने नागिन डांस किया है वो स्टार बनने से पहले आप खुद दोस्तों की शादी में किया करते थे। ट्रू नागिन डांस, वाओ। क्यारा ये एक अफवाह ये है, आपका नाम क्यारा सलमान खान का दिया हुआ है, इज इट ट्रू? नहीं, ये मैंने खुद चुना अपने लिए। बड़ा ही प्यारा नाम है। प्यारा, बड़ा प्यारा नाम। आलिया, आलिया। We would have had two Alias then. Hmm. I have Kiara and Alia. आप कर लो, finish कर लो। करीना एक अफवाह ये है कि आपको लगता है कि नाखूनों में सबसे ज्यादा विटामिन्स होते हैं, इसलिए आप नाखून चबाती रहती हैं। True. और होते हैं विटामिन्स? पता नहीं, बट मॉम बचपन में मिर्ची लगा के देती थी क्योंकि I was always biting my nails. So वो एक बुरा हैबिट है मेरे पास। अभी भी है? नहीं, अभी फॉल्स नेल्स लगा के रखे हैं। अच्छा, ताकि मैं नहीं चबाऊं, पर अंदर कुछ नहीं है। अच्छा, ओके। तो पाजी आपके बारे में फायदा, दिलजीत पाजी की आए दिन आप अपना फोन नंबर बदलते रहते हैं क्योंकि आपको बहुत सारे आई लव यू वाले मैसेज आते हैं और कोई एज लिमिट भी नहीं, किसी भी एज ग्रुप के मैसेज आते हैं आपको। तो ये बात सही है, आप अपना फोन नंबर बदलते रहते हैं? हाँ, मैं फोन नंबर बदलता हूँ, लेकिन उसकी वजह और है। तो ये वजह नहीं है कि आते रहते हैं मैसेज, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं? मतलब पूछ तो सही क्या वजह है, वो क्या वजह? आपको पता ही, आप भी पंजाब से हैं तो हाँ। कोई भी बड़ा आदमी फोन करेगा तो आपको जाना पड़ेगा, अगर नहीं जाते आप तो फिर प्रॉब्लम। ये तो हाँ, तो बच है। ये रहेगा कि आप तक बात ही नहीं आई, पहुंची नहीं, मैसेज ही हाँ। नहीं कन्वे हुआ, तो फिर तो गुड न्यूज के बाद हफ्ते हफ्ते चेंज करना पड़ेगा। वो तो वो मिली कि नहीं? कौन? वो एक कुड़ी जिदा नाम हो बता, घूम है घूम है बुआ, उनका गाना है दिलजीत का, वो गाना है। हाँ, कुड़ी थोड़ी ना गुम हुई सच में। उले पुत्र, ऐसे गाने तो मैंने बहुत बनाए हुए तेरे फुफा के ऊपर। कौन सा? एक फुफड़ जिदा ना कुकड़ है टुन है टुन है ड्रा। ये क्या कर रही हो? ड्रा क्या होता है पुत्र? जब पंजाबी टुन होता है ना तो ड्रा निकल ही जाता है। अरे जी तू, मुझे याद है छोटा होता था, इसकी बात बताती हूँ, लुधियाने में ना एक चौड़ा बाजार होता है। अच्छा, अक्कू पता होगा चौड़ा बाजार? वो चौड़ा नहीं था पहले, वो लंबा बाजार था, इसने गेड़िया लगा लगा के चौड़ा कर दिया। मैं सच्ची कहती हूँ, अक्कू इतना सा होता था, कराटे की प्रैक्टिस इसने पुआ पे ही करनी। एक दिन कहता पुआ सिर पे अपने एप्पल रखो, मेरे को फ्लाइंग किक करनी है। पुआ बेचारी मान गई, मैंने सेब रखा, अक्की ने फ्लाइंग किक की, सेब के साथ पुआ का जूड़ा भी उड़ गया। बस तब से ऐसे घूम रही हूँ थ्री विकेट के वायरस की तरह। मेरे को आप लोग का वो पिक्चर बहुत मस्त लगा, वो उड़ता पंजाब, वो तो पिक्चर हिट हो गया। आपको पता है उसके बाद पंजाब जो है वो उड़ के किधर गया? किधर? इधर आया, सब पंजाबी लोग इधर, इसके ये इसका दोस्त पंजाबी, इधर बैठने वाले पंजाबी, ये सब आप बोल रहे थे ना दिनेश, ये गिटार इसको माउथ ऑर्गन तक बजाने नहीं आता है, ये पंजाबी, इतने पंजाबी हो गए। मैम क्या बताऊं कि हमारे सेट पे जब शाही पनीर आता है ना, मेरे को सिर्फ शाही का टेस्ट मिलता है। क्यों? क्योंकि पनीर तो इसके दोस्त लोग खा जाते हैं इधर। कैसे अच्छे से आपका बहुत, आपको आपने इस पिक्चर में पूरा पेमेंट नहीं लिया क्या? क्यों? क्यों? मैं देखिए इसमें ब्रोकर का भी रोल किए, आजा घर दिला दू चंडीगढ़ में। ऐसा कुछ बोलती है मेरे को चंडीगढ़ में, मेरे को जूह पे ना सी फेस मेरे को बहुत पसंद है। तेरा है ना नाला सवार में तेरा बॉयफ्रेंड, उसका भी तो छी फेस है। गंगा सामने कूड़ा करके रखा। मुकेश के बारे में कुछ बोलना नहीं, मेरा छावा है नाला सुपारा में, हम लोग का काम है उधर डुक्कर लोग को धोने का। धोने का पिंक कलर के रहते ना ऐसे।
उन लोग को हम लोग धोते है। अच्छा आप लोग पिक्चर में आप लोग का सरनेम बतरा है ना, उसका जेब कतरा है। सर ऐसा छोटा मोटा नहीं है, आपको मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट मिला है ना, उसको ब्लैक बेल्ट, ब्लैक टोपी, ब्लैक पैंट, ब्लैक ब्लैक जूता ये सब मिले ले। किसने दिया? उसके साहब ने दिया, गार्ड की नौकरी लगी ना। एक मिनट, अरे माय गॉड मुकेश का ही फोन आ गया। हेलो कैसे रे, मैं शूटिंग पे। तू टीवी देख रहे, टीवी पे क्या आ रहा है? नहीं आपको नहीं उसको, क्या शूटिंग पे क्या आ रहा है, टीवी पे क्या आ रहा है? नहीं उधर हट रे हट, कुछ समझ में नहीं आता इसको, हम लोग का ऐसा वर्ड प्ले रहता है, हम लोग थोड़ा थोड़ा ऐसा वर्ड प्ले करते हैं। एक और जोक सुना है आपको, हमारे पास एक पिटारा रहता है, सुना देते हैं। आपको पता है इंसान के आगे दो आंख होती है ना, अगर इंसान की दो आंख आगे की जगह यहाँ पीछे हो तो क्या होगा? क्या? तो आपकी पीठ में कभी कोई आपको छुरा नहीं घोप सकता, क्योंकि आप देख सकते हैं ना पीछे से, फिर तो पेट में छुरा घोपेगा ना। ऐसे ही बोल दिए, नहीं नॉट फनी। एक और सुनाता है। आपको पता है जापान है ना, जापान में केला खा के छिलके का क्या करते हैं? क्या करते हैं? वो फेंक देते हैं। जॉक्स का यूमर का क्या हम करते जा रहे हैं। एनीवेज थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दिलजीत जी, यू आर फ्रॉम पंजाब, लाइक प्रॉपर पंजाब। हाँ जी हाँ जी। हमको बताइए फिर सुबह उठ के पहले आप लोग ब्रश करते हैं या बुर्रा करते हैं? पंजाब में सब लोग बुर्रा करते हैं, हमने देखा है। लेकिन सर एक और बात आपसे जानना था, आपकी शामें तो बहुत लंबी होती होंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास दो सांझ है ना यार दिलजीत, दो सांझ, एक सांझ खत्म दूसरी सांझ। यारा जी यू आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग। तो नहीं तो हम खाली जानना चाह रहे हैं फिर आपको छोड़ के कबीर सिंह नौकरानी के पीछे क्यों भाग रहे थे यार? और भाग रहे तो पकड़ भी नहीं पाए, भागते ही रह गए, हमने देखा था। आपको पता है अपना ये जो डक होता है ना, डक डक, हाँ, तो उन डक लोगों का जो लीडर है वो कौन होता है? कौन होता है? वो फ्रॉग होता है। पूछे क्यों? क्यों? बिकॉज ही इज मेन डक। एक और आई एम सो बिग फैन ऑफ यू। सोच के बोलियो, सोच के बोलिए बस, एकदम सोच के बोल रहे हैं सर। हमने बेबी देखी सर, पर बेबी फिल्म में कोई बेबी नहीं था, ये अच्छा कि आप गुड न्यूज में बेबी लेके आ गए। और सर एक और बात बताएं, दो बेबी और इंटरवल में हम आपके एक और फिल्म देख लेंगे। कौन सी? टॉयलेट, वहां तो जाएंगे ना हम। It's gonna go down.